Singh and I am an assistant professor in Dayal group of institutions. I hope आप सारे बच्चे इस लॉकडाउन के टाइम पे सेफ होंगे और अपने अपने घरों पे होंगे और जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बताई हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे होंगे, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं तो हम समझ सकते हैं इस समय आपको स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी। वही प्रॉब्लम हम दूर करने की कोशिश करेंगे आपकी बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में। अब बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए पहली बात तो आपको बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। लॉ क्या होता है? लॉ आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को रन करती है। जो भी लॉ नहीं फॉलो करता है उसको सर्टेन पनिशमेंट्स भुगतने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। उसी तरह बिजनेस लॉ में भी अगर हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना चला रहे हैं तो कुछ नियमों का या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमको पालन करना पड़ता है, उसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो पहला जो इसमें हमें लॉ पढ़ना होता है बिजनेस लॉ में, वो पढ़ना होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए पहली बात तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी दो इंसान के बीच में जब हम कोई एग्रीमेंट करते हैं और वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो क्या बन जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट तो केवल बस दो इंसान के बीच में अगर लिखा पढ़ी हो गई तो वो एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि आप हमें अपनी कार बेच दीजिए 3 जनवरी तक तो हम आपको 1 लाख रुपीज दे देंगे। बी इस चीज के लिए रेडी हो गया और उसी कुछ कंडीशंस पे उन दोनों ने अपने सिग्नेचर कर दिए, ठीक, मगर उसको उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया। तो ये अभी क्या है? ये एग्रीमेंट है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। मगर यही अगर जो डॉक्यूमेंट से अगर ये आप रजिस्टर करा लेते हैं, ठीक है, उसको लॉ में इन्फोर्स करा लेते हैं, तब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि कोई भी एग्रीमेंट जब लॉ की नजर में आ जाता है या लॉ के द्वारा वो पारित हो जाता है कोई भी एग्रीमेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो लीगली बाउंड हो गया है तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो बाइंड हो गई हैं लॉ के तहत, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब यही होता है कि वहां पे क्या हुआ कि वो जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, दोनों में से कोई एक भी पार्टी अगर फ्रॉड करती है किसी के भी साथ, मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ, अगर किसी ने भी किसी के साथ फ्रॉड करा तो फिर वो इंसान लॉ की नजर में दोषी पाया जाएगा और जो भी उसके तहत पनिशमेंट बताई गई है वो पनिशमेंट उसको भुगतनी पड़ेगी। इसी वजह से जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो उसको हम रजिस्टर करा लेते हैं ताकि इस तरह की अगर कोई फ्रॉड या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हम लॉ का सहारा लेके उस अपने ग्रीवांसेस का रिड्रेसल कर सकें, ठीक है, अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकें, जो भी हमारे साथ फ्रॉड या जो भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है उसके लिए हम कटघरे में अगले इंसान को खड़े कर सकते हैं, दोषी को वहां पे खड़ा कर सकते हैं। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, मतलब टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स क्या है? वो एलिमेंट्स है आपके, पहली बात क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए। ऑफर का मतलब क्या हुआ कि ऑफर एक इंसान दूसरे इंसान को दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑफर दिया बी को कि आप हमें अपनी कार बेच दीजिए, और दूसरा एलिमेंट क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब कि बी ने उस ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसकी एक्सेप्टेंस हो गई और बी भी रेडी हो गया कि हाँ ठीक है, हम आपको अपनी कार बेच देंगे और 3 तारीख को हम आपके घर पे ये कार पहुंचा देंगे, आप मेरे को 1 लाख रुपीज दे दीजिएगा। तो ये हो गया पहला एलिमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट का। टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि ऑफर एक्सेप्टेंस तो हो गई, अब दूसरी बात ये हुई
आपका फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है. टू बी अ वैलिड कॉन्टैक्ट देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज का मतलब ये नहीं कि आप डरा धमका के किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं. ये नहीं कि आपने मतलब गन रख दी किसी के सर पे और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट करो नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे. ऐसा कुछ नहीं कर. ऐसा अगर है तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. फिर वो फ्री कंसेंट नहीं है. उसमें आप जबरदस्ती या डरा धमका के थ्रेट के थ्रू आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये जो तरीका होता है वो फ्री कंसेंट में जो ये थ्रेट यूज करते हैं इसको हम कोर्सीन कहते हैं. COERCION, दैट इज कोर्सीन. ये अगर कोर्सीन अप्लाई करके आप थ्रेट अप्लाई करके किसी इंसान के ऊपर आप उनको मतलब फोर्सफुली उनसे कॉन्ट्रैक्ट में उनको लेकर आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक. थर्ड एलिमेंट आता है आपका कि देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को ऑफर किया कि भैया ऐसा है कि जो हमारे पड़ोसी का बच्चा है उसको किडनैप कर लेना तो हम तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, लॉफुल नहीं है. लॉफुल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए आपका टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन इज कंसिडरेशन का यहाँ पे जो मीनिंग होता है लॉ में वो यहाँ पे कैश से मतलब है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसी ना किसी कंसिडरेशन पे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ए के लिए कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है, कार है. जो भी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था ए और बी में, कार का एक एग्जाम्पल बताया ना मैंने, उसमें ए का कंसिडरेशन क्या है कि उसको बी से कार चाहिए. तो बी यहाँ पे कंसिडरेशन हो गया ए के लिए, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, कैश हो गया. जो पैसा उसको रिसीव होगा वो बी के लिए कंसिडरेशन हो गया. ठीक. तो देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन. या वहां पे कोई मतलब ये नहीं कि आपने बस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और चले गए. कुछ ना कुछ वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैश होना चाहिए या कुछ एक्सचेंज ऑफ समथिंग होना चाहिए, तभी वो लॉफुल माना जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका वहां पे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का क्या मतलब हुआ, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब हुआ कि जो भी इंसान उस एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है वो कंपीटेंट है कि नहीं है. कंपीटेंट, कंपीटेंट का मतलब हुआ कि पहली बात तो वो मेजर है या नहीं है. ठीक. दूसरी बात कि कहीं उस पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी शहर में, उसका कहीं नाम तो नहीं दर्ज है एज ए टेररिस्ट या एज ए थीफ या कुछ भी इस तरह. ठीक है. तो उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है. और थर्ड कि कहीं वो अनसाउंड माइंड का तो नहीं है. ठीक. अनसाउंड माइंड का मतलब कि ल्यूनैटिक या पागल तो नहीं है वो, कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है कि वो क्या एग्रीमेंट या क्या कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर रहा है और आपने उसको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया उससे. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हो वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो होती है वो होना चाहिए. पार्टी में कैपेसिटी होने का मतलब यही कि ईदर ऑफ द पार्टीज, जो भी पार्टीज हमारी हैं इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट बी मेजर, मतलब 18 साल की ऊपर की उम्र के होने चाहिए. दूसरा कि कोई भी उन पे क्रिमिनल केस नहीं चल रहा हो. तीसरा कि वो साउंड माइंड के हो, ल्यूनैटिक पागल इडियट ना हो. ठीक है. लॉ में ल्यूनैटिक इडियट इन सब का भी मीनिंग डिफाइन कर रखा गया है. ठीक है. तो ये कुछ एलिमेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तभी हम कहते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.